बिहार के एक जेडीयू नेता चर्चा में हैं। इन नेता ने अपनी और अपनी पत्नी की जीते जी मूर्ति लगवा दी। जीते जी अपनी मूर्ति लगवाने वाले जेडीयू नेता हैं पूर्व विधायक सहदेव पासवान। इन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। सहदेव पासवान ने कहा कि पता नहीं मरने के बाद हमें कोई याद रखेगा भी या नहीं। मुजफ्फरपुर में जेडीयू के पूर्व विधायक सहदेव पासवान ने जिंदा रहते हुए खुद की और अपनी पत्नी स्मारक बनवाकर प्रतिमा लगवा दी। साथ ही मंगलवार को इसका अनावरण भी करवा दिया। प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पहल पर राजनीति में आए पूर्व विधायक सहदेव पासवान ने बताया कि मरने के बाद किसी को याद रखने के लिए उनकी प्रतिमा लगवाई जाती है। अब जैसा सामाजिक वातावरण बन गया है, ये देखकर महसूस होता है कि अपने भी याद करेंगे या नहीं। इसको देखते हुए 5 साल पहले मन में विचार आया कि अपने साथ अपनी जीवन संगनी शांति देवी की संयुक्त प्रतिमा को लगाया जाए। उसके बाद जयपुर से प्रतिमा मंगवा कर लगाई गई। बीते मंगलवार को प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो हमने फैसला लिया कि मूर्ति बैठाना जी, क्योंकि आने वाला दिन में समय में वो हमको लोग नाम ले कि ये मूर्ति है सहदेव पासवान का, इसलिए हम ऐसा फैसला लिया से 4 बरस पहले और जयपुर से मूर्ति बनवा कर लाए थे। और इस धरती पर जन्ना कर्पूरी ठाकुर 19 जनवरी 1973 को आए थे। लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तब बेटी को शादी किए तो यहाँ आए थे लालू यादव जी, कर्पूरी ठाकुर। और हमारे बीच में कई मंत्री थे, रघुनाथ झा जी आए थे, ब्रज बिहारी प्रसाद आए थे, जितने समाजवादी लोग थे, राजनारायण हिंदुस्तान के कोटर वोट चढ़ाने वाले सब लोग आए थे। अपने साथ साथ पत्नी का भी बनवा, पत्नी का भी हम बनवा दिए। हम बहुत संघर्ष से आए हैं, हमारी जीवन एक मजदूर परिवार में पैदा लिए थे, समझे कि नहीं। आपको लग रहा था कि नहीं बनेगा मूर्ति? नहीं, हमको नहीं लगा। पिंडदान भी करवाइए जी, पिंडदान भी करवाइए। तो हमको ऐसा नहीं महसूस, हम नहीं किए, महसूस किए कि हमको पूरा विश्वास हो गया था कि हमको मरने के बाद में हमारा दबाव चाहे बेटी नहीं लगा सकता, ऐसा हमने महसूस किया। और हम जब गरीब मजदूर परिवार से निकल कर गए थे तो मुझे पिताजी मजदूरी करते थे। आपके मित्र रमई राम जो है, हाँ, रमई राम जी थे, उनकी बेटी रामकरण सानी गुरु जी थे, उनकी बेटी ने तो उनकी मूर्ति बनवाई। आपको क्यों लगा कि आपकी बेटी ने बनवाई? हमको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कोई बनवाएगा। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना कोई रहेगा ना कोई रहा है, कोई रहा है नहीं सर। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि ये एक अनोखी पहल है, पहली बार किसी जीवित व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ जब कम से कम आमंत्रण करने का काम किए लोग, और आदरणीय हम लोगों के अभिभावक है सहदेव पासवान जी जो बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, इनकी पत्नी थी शांति देवी, तो दोनों आदमी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ है और एक नए चीज़ मिलने को भी देखने को भी मिला, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक समाज में एक नया सोच पैदा हुआ लोगों को। लोग चूंकि जाने के बाद कौन क्या याद करता है नहीं करता है, लेकिन आज अपने सामने में सब चीज़ देख लिए। तो दूसरी बात है, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं, पूरे टीम, पूरे मुजफ्फरपुर जिला की टीम सब कोई आए हुए हैं। मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम संगठन के नाम पर सब कोई आए हुए हैं, और जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम आई हुई है, और जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जिस तरह से पूरे देश में भ्रमण चल रहा है तो उसमें सकारात्मक बातें आएगी। जेडीयू के प्रदेश सचिव प्रो शब्बीर ने बताया कि अपनी खुद की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में मायावती और बिहार में पहली बार पूर्व विधायक सहदेव पासवान ने लगवाई है, ये एक अनोखी पहल है। आज का जो कार्यक्रम है वो पूर्व विधायक, 2 बार के पूर्व विधायक माननीय सहदेव पासवान जी और उनकी धर्मपत्नी शांति देवी जी की मूर्ति का अनावरण बिहार सरकार विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर हजारी जी के द्वारा होना है। आज के मौके पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे भारत देश की ये दूसरी घटना है। 2008 में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए सुश्री मायावती जी ने अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगाया था,
और पूरे भारत की ये दूसरी घटना है जो पूर्व विधायक आदरणीय सहदेव पासवान जी आज इस मुजफ्फरपुर में अपनी मूर्ति का अनावरण करवाने जा रहे हैं। आप लोगों को उन्होंने बताया है कि किन परिस्थितियों में क्या महसूस किया उन्होंने, जो अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए वो मूर्ति का अनावरण करवा रहे हैं। होता ये आया है अभी तक कि मरने के बाद ही किसी का मूर्ति लगाई जाती है या मूर्ति का अनावरण होता है, ये परंपरा रही है, लेकिन जीवित रहते हुए अगर मूर्ति कोई लगाता है तो अपने आप में एक अनोखी घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी ने लगाया था, और दूसरी घटना इस देश में, जहां तक मुझको संज्ञान है, इस देश की ये दूसरी घटना है जो माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी अपने जीवन काल में अपनी धर्मपत्नी जी का मूर्ति यहाँ लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक अकेली अनोखी घटना है। पूर्व विधायक ने बताया कि उनके घर पर 1973 में जननायक कर्पूरी ठाकुर आए थे। उन्होंने विधिवत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनाकर राजनीति में उतारा। उसी साल मशहूरी में महंगाई गरीबी के सवाल पर मुसहरी बीडीओ का 36 घंटे तक घेराव किया और जेल गए। 1974 में वो जेपी के नेतृत्व में आंदोलन के दौरान जेल गए। इमरजेंसी के दौरान संपूर्ण भारत बंद में भी वो जेल गए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि जेपी आंदोलन में जेल गया उसको टिकट मिलेगा। 1990 विधानसभा चुनाव में पिपरा सुरक्षित सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव जीते। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।